साल के मुकाबले जो इस साल टैक्स से रिवेन्यू प्राप्त हुआ है सरकारों को, हर राज्य में 4% बढ़ा है, वो 4.4% बढ़ा है। उसके बढ़ने के बावजूद भी शिक्षा पर जो है बजट हरियाणा के अंदर 11% घटा है, जबकि झारखंड एक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 10 गुना बजट शिक्षा के ऊपर बढ़ाया गया है। जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, बहुत ज़्यादा बहुत कम वोट आए, MLA तो बहुत दूर की बात है। अगर इसको कंपेयर करें हरियाणा जनसेवक पार्टी के साथ, क्योंकि नई पार्टी है, पहली बार इतने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ आपके मन में विचार आए हैं? एक सवाल और मेरा रहेगा, हरियाणा का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज भारतीय जनता पार्टी से, उनका पिछले 2 महीनों से स्वास्थ्य विभाग का काम न संभालना, फाइलें न देखना, कितना जो है, एक तो जो जनता है उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या ये सवाल कल विधानसभा सत्र में उठेगा? एक फौजी का लड़का, एक समाज सेवी, एक राजनेता और एक नई पार्टी के संस्थापक भाई बलराज कुंडू हमारे साथ मौजूद हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन है हरियाणा जनसेवक पार्टी का 17 तारीख को, और जो कल से है विधानसभा का सत्र भी चालू होने वाला है, काफी सारे सवाल रहेंगे। तो सबसे पहले बलराज कुंडू जी का स्वागत है हरियाणा खबर पे। धन्यवाद। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? सेहत कैसी है? बिल्कुल वेल। अच्छा, कल से जो विधानसभा सत्र चालू होने वाला है जी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे शीतकालीन सत्र के दौरान, स्पेशली महम की जनता के और अब तो हरियाणा की जनता के भी आप कहेंगे, क्योंकि हरियाणा जनसेवक पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर अपने पैर पसार रही है। देखिए, मैंने 11 स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है, और 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए हैं, जो अति महत्वपूर्ण विषय जिन पे सदन के अंदर सरकार को चर्चा करने के लिए मैंने वो प्रस्ताव दिए हैं। तो उन सब को लेकर जो है मैं अपनी पूरी तैयारी में हूँ, क्षेत्र का, महम हल्के के लोगों के और पूरे प्रदेश के, क्योंकि समस्या तो वही मेरे महम के लोगों की है और वही प्रदेश के लोगों की। हरियाणा जनसेवक पार्टी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है 17 तारीख को दादरी के अंदर हो रहा है जी, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए, आने वाली 17 तारीख को इतवार के दिन हमने हरियाणा जनसेवक पार्टी के उस विचारधारा के लोगों ने सबने निर्णय लेकर ये कार्यकर्ता सम्मेलन आप इसको कह सकते हो, और इसको जन सेवा मिशन 2024 का एक विधानसभा वाइज जो कार्यक्रम उसका आगाज भी कह सकते हो। हमने 17 तारीख को दादरी जिले की दोनों विधानसभाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे जन सेवा की सोच से जुड़े या उस विचारधारा के लोगों का एक सम्मेलन 17 तारीख को दादरी में सरस्वती गार्डन में रोहतक रोड पर रखा है, और उसमें जिस प्रकार की फीडबैक आ रही है कि वो बहुत ही एक ज़बरदस्त सम्मेलन होने जा रहा है, और 2024 के जन सेवा मिशन के एक आगाज़ जो हर विधानसभा में हम करने वाले हैं, अगले महीने की 3 विधानसभाओं के प्रोग्राम रखे हैं, उससे अगले महीने 4 विधानसभाओं के रखे हैं, उसको लेकर इस सरकार की गलत नीतियों और प्रदेश के लोगों को जागरूक करके एक नया राजनीतिक विकल्प जो उनके अपने बेटों की के द्वारा देने का हमारा एक प्रयास है, और उसमें जिस प्रकार के प्रदेश से हमें फीडबैक और लोगों का रुझान दिख रहा है, तो उससे मैं ये इस बात का दावा करता हूं कि 2024 में हरियाणा जनसेवक पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव कर इस प्रदेश को बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाएगी। जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, बहुत ज़्यादा बहुत कम वोट आए, MLA तो बहुत दूर की बात है। अगर इसको कंपेयर करें हरियाणा जनसेवक पार्टी के साथ, क्योंकि नई पार्टी है, पहली बार इतने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ आपके मन में विचार आए हैं? देखिए, हरियाणा के लोगों में चौधरी देवीलाल के नाम पर, भावुकताव के नाम पर उनको बेवकूफ़ बनाकर जजपा ने जो है 10 सीटें लेकर 2019 में इस प्रदेश को जिस प्रकार से धोखा दिया इस प्रदेश के लोगों का, और वो यहाँ हरियाणा प्रदेश में सरकार भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है, इस प्रदेश को लूट रही है, और राजस्थान में जाकर उसी भाजपा के सामने चुनाव लड़ रही है, वो राजस्थान के लोग बेवकूफ़ नहीं है उस बात को, अच्छी तरह इस बात को मालूम था कि ये लोग भाजपा के द्वारा भेजे गए लोग हैं, और उनकी हरियाणा प्रदेश की लूट को हर रोज जो जिस प्रकार का उनकी लूट को मीडिया के द्वारा सबके द्वारा जो बताया जा रहा है, उन चीज़ों को वो राजस्थान के लोग भली प्रकार, राजस्थान हरियाणा से सटा हुआ है और बहुत लंबी बेल्ट जो है ना आप कह सकते हैं हरियाणा को का 50% हिस्सा जो है ना वो राजस्थान से सीमा सटती है,
तो वो हरियाणा की एक एक राजनीतिक गतिविधियों से, उनके नेताओं से राजस्थान के लोग भली भांति परिचित हैं। इसी इनकी इस सच्चाई को पहचान कर उन लोगों ने इनको पूर्ण रूप से नकार दिया है। दैनिक भास्कर के अंदर आरबीआई की एक रिपोर्ट छपी है कि पिछले साल के मुकाबले जो इस साल टैक्स से रिवेन्यू प्राप्त हुआ है सरकारों को, हर राज्य में 4% बढ़ा है, वो 4.4% बढ़ा है। लेकिन उसको बढ़ने के कारण, उसके बढ़ने के बावजूद भी शिक्षा पर जो है बजट हरियाणा के अंदर 11% घटा है, जबकि झारखंड एक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 10 गुना बजट शिक्षा के ऊपर बढ़ाया गया है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है और क्या ये सवाल कल विधानसभा सत्र में उठेगा? देखिए, सवाल तो इतने हैं, इतनी चीजें, इतने मुद्दे मैंने पहले भी उठाए हैं। ये तो मैं बार बार इस मुद्दे को, तो मैंने एजुकेशन का था, अभी भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है, मैंने इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी वैसे भी सवाल लगाए हैं विधानसभा के अंदर। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें स्कूलों को बंद करने की पूरी प्लानिंग सरकार ने बना रखी है। टीचरों की भर्ती ना करना इस बात को क्लियर दर्शाता है कि सरकार की मंशा सरकारी स्कूलों को पूर्ण रूप से बंद करके इस सारे एजुकेशन के सिस्टम को प्राइवेट हाथों में देकर, वो जो इन सरकार के अपने चहेते लोग होंगे उनके हाथ में सौंप कर, इस गरीब मजदूर के बेटों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करके उनको गरीब और गरीबी की दलदल में धाए और सिर्फ वोट लेने की मशीन बनाने का एक बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है। क्या इसीलिए फिर जो बजट वो इतना परसेंट घटा है हरियाणा के अंदर शिक्षा? बिल्कुल, इसलिए एजुकेशन को बजट ना देना उस बात को क्लियर में दर्शाता है कि सरकार की मंशा एजुकेशन के प्रति बिल्कुल ही सही नहीं है। एक सवाल और मेरा रहेगा, हरियाणा का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज भारतीय जनता पार्टी से, उनका पिछले 2 महीनों से स्वास्थ्य विभाग का काम न संभालना, फाइलें न देखना, कितना जो है, एक तो जो जनता है उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर बातें ये भी सामने आ रही हैं कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है, मीटिंग भी हुई है, लेकिन फिर भी अनिल विज जी मान नहीं रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा भी उठेगा और उसके ऊपर आपका विचार क्या है? देखिए, ये तो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड तो मेरे कई और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सवाल मैंने लगा रखे हैं। आज प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का भट्ठा बैठ चुका है, गरीब आदमी आज, अभी भी मैं सुबह बता रहा, स्ट्रेचर पर पड़े हैं, उनके एडमिशन तक नहीं हो रहे, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। जो इनका आयुष्मान कार्ड का एक बहुत बड़ा सगुफा है, आयुष्मान कार्ड के पे ये इलाज होगा, आयुष्मान कार्ड पे हॉस्पिटल के अंदर किसी भी गरीब आदमी को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आयुष्मान कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐसा मजाक है उन गरीब आदमी के साथ। उसमें इतनी थोड़ी कॉस्टें रखी गई हैं, उस कॉस्ट के अंदर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला किसी गरीब का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर इतना वो कम जो रेट रखा है उसमें वो किसी भी सूरत में प्राइवेट हॉस्पिटल वाला उस मरीज का ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकता डॉक्टर कोई। तो ये अपने आप में इन चीज़ों को अगर डीपली अगर देखा जाए, मैंने अनेकों डॉक्टर हॉस्पिटल इस बारे में चर्चा की मैं जाके, कि आयुष्मान कार्ड पे आप इनको, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आयुष्मान कार्ड पे जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल उनको एडमिट नहीं कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, मैंने जाके देखा है सरकारी हॉस्पिटल में PGI में उनमें वो सेवाएँ नहीं हैं। ये दवाइयों की जो बात करते हैं, दवाई वहाँ पर 10% भी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, डॉक्टर की कमी से जूझ रहे हैं आज, बड़ी बड़ी बातें करें तो आज पूरा ढर्रा शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो पूर्ण रूप से खत्म, सरकार की नीयत ही नहीं है उस चीज़ को इम्प्रूव करके गरीब को वो बेनिफिट देने की, सरकार की नीयत में ही खोट है। और इन चीज़ों को ये लेकर आपस में इनका टकराव ये जग जाहिर है। तो इस बात की, इनके टकराव से स्वास्थ्य विभाग का काम ना देखना अनिल विज जी का, इसका नुकसान तो प्रदेश की जनता को भोगना पड़ रहा है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है उससे? ना अनिल विज जी को कोई फर्क पड़ता है, ना मुख्यमंत्री जी को कोई फर्क पड़ता है, ना किसी और मंत्री को फर्क पड़ता है, ना ही सरकार को फर्क पड़ता है। उसका तो झेलना पड़ रहा है, जो उसका जो मेन इम्पैक्ट हो रहा है वो गरीब जनता के ऊपर हो रहा है, जिसको वो ट्रीटमेंट ना मिलने से वो गरीब आदमी जो है ना तड़प तड़प के जो है ना उसका वो झेलना पड़ रहा है उसको। बलराज कुंडू जी की पार्टी के बारे में लोगों का एक विचार है, जितनी भी पहले पार्टियां बनी हैं हरियाणा में, छोटी छोटी जितनी पार्टियां बनी हैं वो बड़ी पार्टी में से विलय अलग होकर बनी है, जो नाराज विधायक थे, जो बागी विधायक थे, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि बलराज कुंडू की पार्टी नई पार्टी है, किसी से अलग होकर नहीं बनी है, और पहले समाज सेवा की है, लोगों को बताया है कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, जन सेवा कर सकता हूँ, तब जाके ये पार्टी की नई जो उम्मीद है बलराज कुंडू जी हैं, उसके ऊपर आपके विचार क्या है कि जनता आपकी पार्टी को पॉजिटिव ले रही है? देखिए, मैंने इस सिस्टम को देख के, मैं तो नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूँ, एक किसान परिवार से ग्रामीण अंचल में पैदा पड़ा
पालन पोषण लेके उस सारी चीजों को झेलते हुए उनको देखते हुए मैं मेरे खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की भी नहीं सोची, लेकिन मैं इस राजनीति में कुछ देख के आया कि शायद मैं उस ग्रामीण अंचल के किसान मजदूर गरीब के लिए कुछ कर पाऊँ, उनको उनका हक दिला पाऊँ। लेकिन यहाँ के जिस प्रकार का ढर्रा देखे, क्या सिस्टम है यहाँ, विधानसभा में बोलना मात्र उसका एक विपक्ष का एक मजबूत भूमिका लोकतंत्र डेमोक्रेसी में होती है, वो कोई बात करता है, जनता की आवाज़ उठाता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार का दायित्व और ड्यूटी बनती है। जो सरकार गलत कर रही है तो उसको सावधान और उसको बताने के लिए विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन यहाँ इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता, कोई कुछ बोलता रहो। और उस चीज को मैंने महसूस किया कि ये राजनीतिक दल और ये लोग उस सोच के लोगों को आगे प्लेटफार्म राजनीति में नहीं देते, ईमानदार लोगों को, जनता के लिए बोलने वाले लोगों को, उनके लिए दर्द महसूस करने वाले लोगों को ये नहीं आने देते। ये राजनीति में ये राजनीतिक लोग और राजघराने ये अपने चाटुकार और उनके रिमोट, जिनका रिमोट इनके पास हो, ऐसे लोग जो जिसको ये बोले खड़ा हो जा बैठ जा, ऐसे लोगों को अपना टिकट देते हैं और उनको ही चुनकर जो है ना विधानसभा में लेके आते हैं अपने नाम से, अपने नाम की अपनी पार्टी की ब्रांडिंग के लेबल पर चिपकाकर उनको लेके आते हैं। जब तक ये लोग आते रहेंगे, उन नेताओं की और राजघरानों की दुकान चलती रहेगी, जनता का भला नहीं हो सकता। क्योंकि वहां जो लोग गए हैं उस जनता के लिए, जिन्होंने वोट दिए, उसके लिए बोल ही नहीं पाते, क्योंकि उन पर्टिकुलर नेताओं और पार्टियों के जो है ना बंधुआ मजदूर की तरह उनकी उनकी औकात होती है, उनको जो डायरेक्शन मिलती है उतना ही बोल पाते, उससे ज़्यादा उस जनता के लिए नहीं बोलने की उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती, उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं होता। उनको ये पता है कि आज हम जीत के यहाँ बैठे हैं तो इनकी बदौलत बैठे हैं, नेताओं की बदौलत बैठे हैं, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। इस तकलीफ को और व्यथा को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसे समाज के उन पढ़े लिखे और जन सेवा की सोच और जनता की तकलीफ को जानने और महसूस करने वाले लोगों को, युवाओं को जो पढ़े लिखे चेहरे होंगे, उनको ऐसा राजनीतिक प्लेटफार्म देने के लिए हमने चर्चा की, ऐसी जनसेवा की सोच के लोगों से विचार विमर्श किया, इस प्रदेश की यात्रा निकाली, उसके बाद हमने ये पार्टी बनाने का निर्णय लिया, हरियाणा जनसेवक पार्टी, और उसी के प्रचार प्रसार में हम लगे हैं। और लोगों का रिस्पॉन्स आज मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तो पूर्ण रूप से संगठन भी बहुत थोड़ा ही हम खड़े पर हर रोज़ बढ़ा रहे हैं, संगठन बढ़ रहा है, लेकिन लोगों का जिस प्रकार से, ये मैंने कार्यक्रम रखे हैं, अब दादरी जिले का 2 विधानसभाओं का कार्यक्रम है, इतवार को आप देखना कितना ज़बरदस्त कार्यक्रम होने वाला, मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी इतना बड़ा कार्यक्रम इस तरीके से लोग इंटरेस्ट लेकर उसमें जो है ना आगे आगे आएंगे। तो ऐसे मैंने हर विधानसभा में अगले महीने 3-4, उससे अगले हर महीने विधानसभा तक ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को जागरूक करने की मेरी मुहिम है, वो निश्चित रूप से जो है ना वो 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव कर, इस विधानसभा में आपको ऐसे युवा पढ़े लिखे चेहरे देखने को मिलेंगे और वो इस जनता को की आवाज़ को वहाँ पे उठाकर इस प्रदेश को जो है ना एक जो आज जिस गलत दिशा में चला गया, लूट, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, उस सिस्टम को बदल कर एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़के उसको उसके अनुरूप इस प्रदेश का भला करने की बातें करेंगे।